दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस वर्क प्रेफेस टू शेक्सपियर। दोस्तों ये जो वर्क है ये शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में एक लैंडमार्क की तरह माना जाता है। इसमें शेक्सपियर के प्लेस को स्टडी करके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 9 साल तक इन प्लेस को स्टडी करके इसका क्रिटिसिज्म दिया है दोस्तों, और ये बहुत ही फेमस वर्क है दोस्तों। इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। मैं जितना अच्छे से हो सके इस वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं दोस्तों। प्रेफेस टू शेक्सपियर में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस का क्रिटिसिज्म किया है। ये एक ऐसे टाइप का, मान लो कोई ऐसे है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है शेक्सपियर्स जनरल नेचर एक्सीलेंसी, दूसरा है शेक्सपियर्स फॉल्ट्स, और तीसरा है द 3 यूनिटीज टाइम प्लेस और एक्शन। इन तीनों के बारे में बताऊँगा। पहले तो ये वर्क पब्लिश हुआ था 1765 में। तो सबसे पहले जॉनसन बोलते हैं कि जिस टाइम पर वो थे यानी कि ऑगस्टन एज में, उस टाइम पर लोग क्या करते थे कि ओल्ड को तो ग्लोरीफाई करते थे, ओल्ड की तो तारीफ़ करते थे, ओल्ड राइटर्स जो अपना वर्क लिख करके गए, जबकि कंटेम्प्रेरीज की कोई वैल्यू नहीं थी, साथ के राइटर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। जॉनसन यहाँ पर बताते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए एक पीस ऑफ लिटरेचर अच्छा है या नहीं। सबसे पहले तो ये देखो कि वो लंबे टाइम के लिए रहने लायक है या नहीं। दूसरा, टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी पहचान बढ़ रही है या नहीं। तीसरा, दूसरे वर्क से अगर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है तो क्या कंडीशन है उस वर्क की। ये 3 चीज़ें बताई है कि एक पीस ऑफ लिटरेचर अच्छा है या नहीं, ऐसे डिसाइड किया जाए। शुरू करता हूँ मैं प्रेफेस टू शेक्सपियर। बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा इस वर्क में। सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस का एनालिसिस किया है, उनकी क्वालिटीज़ भी बताई है और डिफेक्ट्स भी। इनका किया हुआ क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों मॉडर्न क्रिटिसिज्म के लिए। तो कुछ मानते हैं जॉनसन ने इस वर्क का क्रिटिसिज्म करते हुए प्रेजुडिस रखा है, लेकिन सच तो ये है कि 18th सेंचुरी में इससे बेहतर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर कोई वर्क नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि इसको लिखने से पहले डॉक्टर साहब ने 9 साल लगा दिए शेक्सपियर के वर्क्स को ठीक से पढ़ने में और इस वर्क को प्रोड्यूस करने में। उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया इस वर्क के अंदर कि शेक्सपियर को सारे यूरोपियन राइटर्स में सबसे ऊपर चढ़ा दिया। अब वो इस वर्क में बोलते हैं, शेक्सपियर के प्लेस प्रैक्टिकल नॉलेज का खजाना है, उसमें लाइफ की फिलोसॉफी मिलती है। इनमें सिर्फ एक पैशन नहीं होता, सिर्फ लव का पैशन नहीं होता, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैशंस होते हैं, जैसे लस्ट, एंगर, प्राइड वगैरह वगैरह। तो इसलिए जॉनसन बोलते हैं, नोट कर लेना, कि शेक्सपियर के प्लेस मिरर ऑफ लाइफ, जिंदगी का आईना होते थे। अब क्या होता है कि आज हमारी एज में कोई राइटर होगा तो हम उसे इतना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पुराने राइटर को हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे, उसको जीनियस कहेंगे। तो शेक्सपियर के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही था कि उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके ट्रेजिक कॉमेडी बना दिया था, और ये चीज़ फॉल्ट मानी जाती थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त माना जाता था क्लासिकल रूल्स के हिसाब से ट्रेजेडी और कॉमेडी को सेपरेट रखो। लेकिन जॉनसन ने इसमें शेक्सपियर को डिफेंड किया है कि अच्छा ही किया शेक्सपियर ने, दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ हमारे साथ बुरी ही बुरी चीज़ें हो रही हो या फिर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हो। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर होती है लाइफ, जॉय सॉरो, टीयर्स और स्माइल्स, गुड और इवल, दोनों का मिक्सचर होती है ज़िंदगी। भले ही ये चीज़ क्लासिकल रूल्स के खिलाफ है, लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी करके शेक्सपियर ने रियल लाइफ के बहुत करीब ला दिया था अपने प्लेस को। तो उनके प्लेस हमें ट्रेजेडी के इंस्ट्रक्शंस और कॉमेडी के प्लेजर्स दोनों देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडी का यूज़ किया तो यहाँ पर किसी तरह से ट्रेजेडी की पावर कमज़ोर हो गई, कि ट्रेजिक कॉमिक प्लेस के अंदर कॉमेडी कहीं भी ट्रेजेडी के पैशन की प्रोग्रेस को बीच में इंटरप्ट नहीं करती। इसलिए इनफैक्ट शेक्सपियर खुद जानते थे कि प्लेजर बहुत सारी वैराइटीज़ में मिलना चाहिए, सिर्फ मेलोंकली और तकलीफ मिलती रहे ये चीज़ प्लीजिंग नहीं होती। उनके पास ये पावर थी, वो अच्छे से जानते थे कि कैसे लोगों को रुलाते रुलाते हंसाना है। बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी के तो शेक्सपियर जीनियस थे, क्योंकि उनके प्लेज में कॉमेडी नेचुरली आती थी। लगता है कि कॉमिक सीन्स लिखने में उनको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता था, और ये कॉमेडी सीन्स टाइम के साथ ड्यूरेबल थे, टाइम के साथ इनकी पॉपुलैरिटी पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा। और कॉमिक सीन्स की लैंग्वेज जो होती थी वो भी रियल लाइफ वाली होती थी, ज़्यादा उसको रिफाइन करके नहीं लिखते थे, इसलिए अब तक वो पुराने नहीं हुए हैं। हाँ, ट्रेजेडीज़ को लिखने में उनको टॉयल करना पड़ता होगा, स्टडी करनी पड़ती होगी, तो ट्रेजेडीज़ में तो स्किल्स लगाते थे और कॉमेडी नेचुरली आती थी। अभी यहाँ मैं शेक्सपियर के फॉल्ट्स की भी बात करूँगा, लेकिन पहले बात करते हैं जॉनसन ने शेक्सपियर के यूज़ ऑफ़ यूनिटीज़ को डिफेंड किया है। यूज़ ऑफ़ यूनिटीज़ कैसे,
क्लासिकल रूल्स क्या बोलते हैं एरिस्टोटल के, कि टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन शेक्सपियर की जो हिस्ट्रीज थी, गौर से सुनना, यहाँ पे जॉनसन क्या बोलते हैं कि शेक्सपियर की जो हिस्ट्रीज थी वो ना तो ट्रेजेडी थी ना कॉमेडी थी, इसलिए उसमें शेक्सपियर को क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत क्या थी यूनिटीज़ को। इसमें भी टाइम प्लेस और एक्शन को फॉलो करो, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री प्लेस के अंदर कहाँ से वो टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी को फॉलो करते, उनको इन हिस्ट्री प्लेस के अंदर बस कंसिस्टेंसी और नेचुरलनेस को मेंटेन करना था अपने कैरेक्टर्स में, जो उन्होंने बड़े अच्छे से किया है। बाकी हिस्ट्रीज के अलावा दूसरे वर्क्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भले ही टाइम और प्लेस को ढंग से मेंटेन नहीं किया हो, लेकिन एक्शन की यूनिटी अच्छे से मेंटेन की है। वो एक्शन की यूनिटी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन टाइम और प्लेस की यूनिटीज़ पर शेक्सपियर ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा माना जाता था कि टाइम और प्लेस की यूनिटी को फॉलो करने से ड्रामा में विश्वास बना रहता है। लेकिन जॉनसन यहाँ पर बोलते हैं कि ऑडियंस अच्छे से ये बात जानती है कि फिक्शन कभी भी रियल नहीं बन सकता। ड्रामा देखने वाले तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ड्रामा एक डिलीजन होता है और डिलीजन की कोई लिमिट्स नहीं होती, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये बात कहीं भी गलत नहीं है कि शेक्सपियर अपने एक्शन को किसी भी जगह दिखा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर अगर डर रहा है तो चारों तरफ डर वाला माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है, जैसे बिजली कड़क रही है ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है। डर तो कहीं भी लग सकता है कैसे भी। तो शेक्सपियर फोकस करते थे कि एक्शन के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आगे जॉनसन बोलते हैं कि ड्रामा हमको आगे लेकर के जाता है, इसलिए नहीं कि जो सब हो रहा है वो सब रियल है, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो रियल है, बल्कि इसलिए कि ऑडियंस भी ये फील कर सके कि ये ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे एक फिल्म है बागबान, वो बड़ी डेंजरस फिल्म है, इसलिए जॉनसन बोलते हैं कि ड्रामा में यूनिटी ऑफ एक्शन हो ये सफिशिएंट है, ज़रूरी नहीं है टाइम और प्लेस की यूनिटी भी हो, क्योंकि ये ड्यूटी अजम्पशंस को बढ़ावा देती है। ये अच्छा हुआ कि शेक्सपियर ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब जॉनसन शेक्सपियर के कुछ फॉल्ट्स भी गिनवाते हैं। अब दोस्तों इनको ढंग से सुनना, इनको मैं ढंग से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो शेक्सपियर कभी भी मॉरल पर्पस के लिए नहीं लिखते थे, उनका मकसद होता था ऑडियंस को मजा देना बजाय कुछ सिखाने के, और ये उनके प्लेस के साथ पॉलिटिक जस्टिस नहीं हुआ। ये एक फॉल्ट है जिसके लिए उनको उनकी ही एज में शायद क्रिटिसाइज जरूर किया गया होगा। जैसे आपने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके अंदर पॉर्शिया जब आदमी का भेस बदलकर एक लॉयर बनकर कोर्ट में जाती है ट्रायल अटेंड करने, तो उस टाइम पर ये चीज़ मॉरली एक्सेप्टेड नहीं थी कि उस टाइम पर वुमेन ऐसा कुछ कर दे, लेकिन शेक्सपियर ने इसके पीछे कोई भी अपना मॉरल पर्पस नहीं छोड़ा। और अगर मान लो उस वक्त अगर कोर्ट में उसको कोई पहचान लेता तो पूरा प्लॉट खराब हो जाता। दूसरी गलती, वो अपने प्लॉट को बड़ा लूजली डिज़ाइन करते थे, कभी भी प्लॉट को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे। गलती हो गई तो हो गई, उसको सुधारना नहीं है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कमी आपने नोटिस की होगी, नहीं की होगी, एंटोनियो शाइलॉक से क्या कहकर पैसे उधार दिलवाता है कि मेरे जहाज समुद्र में यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो मैं तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन क्या पता क्या खबर आती है कि इसके जहाज डूब गए। अब यहाँ वहाँ जहाज फैले हुए हैं तो सारे जहाज क्या एक साथ डूब गए, एक साथ खो गए, या एक साथ ही नहीं लौटे सारे के सारे? तो ये चीज़ एक गलती है। और एक बात ये कि शेक्सपियर ने इजिप्ट, इटली, डेनमार्क एंड सब कंट्रीज़ के बारे में, इन सब के कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, लेकिन इनके कैरेक्टर्स से इनको देखने से ऐसा लगता नहीं है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता कि बंदा इटली से है तो लगे भी, बस नाम ही होता था इटालियन, नेचर इंग्लिश वाला ही होता था उसका भी। प्ले की स्पीच कभी कभार बहुत ही कोल्ड और वीक हो जाती थी, ये पंस का यूज़ बहुत करते थे। पंस के लिए ये रीज़न और ट्रुथ से भी सेक्रीफाइस कर देते थे, जैसे किंग लियर के अंदर किंग और फूल साथ में थे, लेकिन वो साथ में रहने के बावजूद ऐसे लगता है किंग तो कभी फूल की लैंग्वेज बोल रहा है और फूल कभी किंग की लैंग्वेज बोल रहा है। अब पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था कि शेक्सपियर को ये आदत थी, वो लोअर कैरेक्टर से हमेशा, एक लोअर कैरेक्टर था उससे नोबल लैंग्वेज बुलवाते थे। दूसरा, वो अपनी स्पीच को थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते थे, कैसे कि वो अपने वर्क्स के अंदर ग्रीक और इटालियन कल्चर्स के, क्लासिकल कल्चर्स के रेफरेंस जरूर उठाते थे, लेकिन वो ऐसे क्लासिकल रेफरेंस ये सोचकर उठाते थे कि इससे स्पीच स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में पॉर्शिया शाइलॉक से बोलती है कि ठीक है तुम एंटोनियो का 1 पाउंड मांस काट लो, लेकिन एक भी बूंद खून की बहाए बिना। तो अब मैं जहाँ तक जानता हूँ ये प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन शेक्सपियर ने इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन में ख़त्म कर दिया।
इसलिए ये चीज़ पावरलेस, अनसरप्राइजिंग और कोल्ड सी लगती है। स्पीच को थोड़ा बड़ा करके इफेक्टिव बनाया जा सकता था। और एक दो फॉल्ट ये कि प्लॉट को थोड़ा लंबा खींचते थे, जैसे हैमलेट के अंदर वो अपने चाचा को मारने से हिचकिचाता है हैमलेट, तो एक दो एक्ट के अंदर तो ये चीज़ सही लगती है, लेकिन उसके बाद उबाऊ लगने लगती है चीज़। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी तीन तीन लड़के पार्शिया को देखने आते हैं, अब वो एक लड़के से भी काम चल सकता था। कॉमेडीज़ के अंदर जोक्स अक्सर कभी कभार मनमाने तरीके से गंदे भी हो जाते थे, और वो इस टाइप के नरेशन में कुछ अजीब बातें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते थे। कभी कभी नरेशन उबाऊ टाइप का भी हो जाता था। खैर, ये सब फॉल्ट्स गिनवाने के बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनके मेरिट्स की बात करते हैं क्वालिटीज़ की। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़, शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स को परफेक्ट कर दिया इसमें फ्लैक्सिबिलिटी लाकर, और ऐसा करके ये इसे प्रोज वाली लैंग्वेज के करीब ले आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।